हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 की कक्षा 10 की। तो गाइस उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाले जो वीडियो थे आपने वो देखा होगा। फिलहाल ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो काफी कम लोग बच्चे देखते हैं। ऐसा नहीं है आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसका तैयारी नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। आगे की कॉम्पिटिशन देने जाएंगे तो आपको ऐसे ही सवाल वहां से मुलाकात करना पड़ेगा। आप एक बार उसको जरूर अपने ध्यान से पढ़ते हुए पढ़िएगा, क्योंकि यहीं आप हाई स्कूल के लेवल की तैयारी नहीं करना, आपको आगे भी जाना है प्यारे बच्चों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले वाले जो सवाल थे हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। आज की सवाल यह है सबसे बेहतरीन और जबरदस्त है और बिल्कुल एकदम आसान और सरल भाषा में हम लोग हल भी करने वाले हैं। प्यारे बच्चों LHS दिया है, RHS दिया है, LHS सॉल्व करके RHS लाना है हमको। तो गाइज आपका ये सवाल है LHS, आपको ये प्रूफ करके लाना है। इस सर्व संख्या की मदद से हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो LHS हम लिखेंगे नहीं प्यारे बच्चों, पर लिख दे ऐसे लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा ये LHS है। ठीक, ये LHS है ना। अब क्या करना है, अब LHS लेने के बाद गलती ही होता, गलती ना होता तो नतीजा हो ही नहीं। इतना इंक भर दिया, देखा था नीचे करत मानो चूहे लगा था। इतना दिन पढ़ावत होगी तो ही ना समझ कितना इंक भरा था। तो गाइस हम LHS लेते हैं। अब LHS में जो ये चीज है ये अब सोचो आपको यहां कॉसेक के लाना है। कॉसेक एक कब आएगा, जब प्यारे बच्चों यहां साइन ए आएगा, जब यहां साइन ए आएगा तभी कॉसेक ए आएगा। अब कॉट ए लाना है तो यहां जब साइन ए आएगा तभी कॉट ए आएगा ना। तब आप ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों में भाग देंगे, इन दोनों में भाग नहीं देंगे, भाग तो सब में देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं आंसर हर में साइन ए से भाग देते हैं। अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, अब जैसे प्यारे बच्चों साइन ए से भाग दोगे तो ये कॉस ए जो है वो कॉस ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। और माइनस जो है साइन ए बटे क्या हो जाएगा, साइन ए। और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस एक बटे साइन ए। अब आपने केवल अभी अंश में भाग दिया, अब हर में भी भाग देना। हर में क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए और प्लस साइन ए बटे साइन ए, ठीक, माइनस एक बटे साइन ए, भाग दे दिए। अब ध्यान दीजिए कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉट ए होता है। और यहां साइन ए बटे साइन ए कितना हो जाएगा, माइनस एक, परंतु हम प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं। वन बटे साइन ए, तो वन बटे साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। तो पहले इसको लिख लिए, अब इसको लिखेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर कॉस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। और साइन ए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और वहां हो जाएगा माइनस कॉस ए। ठीक, अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको यहां पर ये देखिए लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक, अर्थात जहां यहां एक आया है यहां पर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो यहां पर रख रहे हैं इस एक के स्थान पे, तो आ जाएगा कॉट ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए आएगा, माइनस एक के स्थान पे हम रख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये रख दिए इसके स्थान पे, वहां से मैंने ये रखा। और पूरे के बटे कितना है, कॉट ए प्लस कितना है, वन है, माइनस कितना है, कॉसेक ए। ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए माइनस बी। इस फार्मूले का मदद कर लेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी। आइए देखते हैं, इधर हम लोग हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या है, कॉट ए है प्लस कितना है, कॉसेक ए है प्लस कितना है, कॉसेक ए, कॉसेक ए है
फिर इसको प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, प्रसार करने के बाद क्या होगा यहाँ पर, माइनस, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में कॉसेक ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए, और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो एक कोष्टक में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक, ये हो गया प्रसार। अब पूरे के बटे कितना है प्यारे बच्चों, पूरे के बटे कॉसेक ए प्लस वन माइनस, नहीं कॉट ए है ना, कितना है प्यारे बच्चों, कॉट ए फिर कितना है, प्लस वन है माइनस कॉसेक ए, ठीक। अब आप देखिए ये हो गया, अब देखिए यहां से और यहां से एक चीज कॉमन है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए जैसे आप कॉमन लेंगे, यहां एक बचेगा, यहां कितना बचेगा प्यारे बच्चों, एक बचेगा माइनस, अब ये वाला माइनस रखें, ये चीज बाहर हो चुका है, ये चीज आपका बचा है, तो माइनस का गुना करते हैं तो ये माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए, और इस माइनस का गुना इससे करेंगे तो प्लस कॉट ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए पूरे के बटे क्या है, कॉट ए है, ठीक, और प्लस वन है माइनस कॉसेक ए, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, माइनस कॉसेक ए, प्लस वन प्लस वन, प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, तो ये वाला पक्ष पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो आपके सामने क्या बचेगा, कॉसेक ए बचेगा और प्लस कौन बचेगा, कॉट ए, यही आपको प्रूफ करके लाना था प्यारे बच्चों, आरएचएस यही लाना था, यही चीज आप देखिए, यही चीज है, ठीक है। देखिए अंडर रूट में क्या दिया है, वन प्लस साइन ए और बटे कितना है, वन माइनस साइन ए, तो हम करते ही क्या है, हमको सेक ए प्लस टेन ए लाना है, तो इन सवालों को हल करने के लिए प्यारे बच्चों हम ध्यान से देखते हैं कि यहां पर अगर हम क्या कर दें, कि सोचिए जरा सा कि अगर यहां पर वन प्लस साइन ए आ जाए, वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए आ जाए, तो एक कुछ सूत्र बन जाएगा, तो हम वहीं पर करते क्या है कि अंश व हर में वन प्लस साइन ए से गुणा करने पर तो जैसे ही आप गुणा करोगे तो अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वन प्लस साइन ए एक कोष्टक में पहले से दिया है, अब हम यहां पर वन प्लस साइन ए का गुणा कर रहे हैं, तो ये गुणा हो गया, ठीक। पूरे के बटे कितना है, वन माइनस साइन ए है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, और इसी में गुणा करना है, तो वन प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए, ये देखिए आपने अंश में भी गुणा कर दिया और हर में भी गुणा कर दिया, ठीक। अब देखिए ये इनका इनसे गुणा करेंगे, तो जब आप इनसे इनका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक में मिल जाएगा आपको वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक, ये स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ए के स्थान पे कौन है प्यारे बच्चों, एक का स्क्वायर, और बी के स्थान पे कौन है, साइन स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं जो कॉस स्क्वायर ए होता है वो वन माइनस साइन स्क्वायर ए के क्या होता है, इक्वल होता है, तो जहां वन माइनस साइन स्क्वायर ए है वहां हम कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, तो चलिए आराम से रखेंगे प्यारे बच्चों, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से जब अंडर रूट हटेगा तो ये यहां से अंडर रूट हटेगा या ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ओनली कॉस ए हो जाएगा, और ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो वन प्लस साइन ए आ जाएगा, अर्थात ये वन प्लस साइन ए आ गया और ये आ गया कॉस ए। हम अलग अलग कर दें, वन बटे कॉस ए और प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए, तो प्यारे बच्चों वन बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, और साइन ए कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के, तो यही तो आपको प्रूफ करने के लिए दिया है बच्चों कि आरएचएस आपका यही है, देख सकते हैं। इस प्रकार आपका छठा नंबर भी क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम आगे की प्रश्न को देखते हैं। गाइस आपका ये प्रश्न है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटे टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, बहुत ही सरल सवाल है प्यारे बच्चों,
आप एलएचएस में से यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां साइन थीटा और यहां साइन थीटा कॉमन हो रहा है, तो जैसे ही आप अंश में से क्या करेंगे साइन थीटा को कॉमन लेंगे, जैसे ही साइन थीटा कॉमन होगा तो यहां एक बच जाएगा, वहां बच जाएगा 2 sin² थीटा, ठीक। और यहां पर कॉस थीटा कॉमन है, तो जैसे ही यहां पर आप कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा 2 cos² थीटा, यहां पर हो गया एक। बात आप समझ पा रहे हैं, साइन थीटा यहां से बाहर हुआ तो एक बचा, यहां एक साइन गया तो 2 sin बचा था, लिख दिए गए, इन दोनों में से कॉस कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान से देखिएगा, केवल हमको एक स्टेप और हल करना है, बाकी आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आ जहां यहां एक है, ये देख रहे हैं, जहां एक है वहां पर हम आराम से लिख सकते हैं sin² थीटा + cos² थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू एक ही होती है, -2 sin² थीटा, ये आपका पहले से दिया है, ठीक। बात समझ पा रहे हैं, एक के स्थान पे यही चीज हर में भी करना है, 2 cos² थीटा, जहां माइनस है वहां sin² थीटा + क्या हो जाए cos² थीटा। अगर आप एक स्टेप कम करना चाहते हैं तो माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का गुणा करेंगे तो इसमें भी माइनस हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इतनी बात। देखिए sin² थीटा + cos² थीटा आपने रखा था, परंतु इस माइनस का गुणा करने के बाद ये माइनस हो गए, ठीक। अब देखिए कुछ चीज आपके घट रहे होंगे, sin θ / क्या हो गया cos θ, ये देखिए यहां से 2 sin² थीटा में से 1 sin² थीटा घट जाएगा, 2 sin² थीटा में से 1 sin² थीटा घट जाएगा, तो क्या होगा ध्यान से देखिए, तो यहां पर माइनस की संख्या ज्यादा आती है, माइनस आ जाएगा sin² थीटा और आगे क्या है cos² थीटा, ठीक, बढ़िया है। अब देखिए 2 cos² थीटा में से 1 cos² थीटा घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos² थीटा, और ये आपका -sin² थीटा, तो -sin² थीटा + cos² थीटा यही बचेगा, ये दोनों पक्ष कैंसिल हो गए भैया, बचा क्या sin θ / cos θ, आप जानते हैं ये किसके बराबर होता है tan θ के, और यही शायद आपका RHS यानी राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करने के लिए कहा था, मिला लीजिए। तो ये आपका रहा 6ठा प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम आगे के प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज आपका अगला प्रश्न ये है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों, ये जब हम लोग एग्जाम में देते थे, जब हम लोग का हाई स्कूल का पेपर था उसमें बहुत ही ज्यादा ही ये प्रश्न पूछता था, फिलहाल इस बार तो आपके सिलेबस हटा दिया गया, नहीं तो ये क्वेश्चन हमेशा टॉप पे रहता था। अब आप देखिए ये दिया है, ये दिया है, ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले LHS, LHS लिखेंगे, LHS क्या है sin A + कौन है भैया cos A का होल स्क्वायर + इधर कौन है cos A + sec A का होल स्क्वायर, ठीक, a + b का होल स्क्वायर से प्रसार कर देंगे, तो a² यहां कौन है a² यानी sin² + b² तो b कौन है भैया cos² a² + b² + 2a, a के स्थान पे sin A और इनटू b cos A, बात समझिएगा जरा सा, प्लस कॉस और सेक का, तो यहां ए होना चाहिए था, इसका प्रसार करेंगे तो cos² + क्या हो जाएगा sec² cos² + sec² + 2 cos A into sec A, ठीक, प्रसार हो गया। अब सोचो जरा सा कि ये और ये इनकी वैल्यू एक होती है, इनको हम एक तरफ कर लेते हैं, तो sin² + cos² को एक तरफ कर दिए, अब यहां cosec² a बचा है आपका और वो कितना है sec² a, अब इधर ध्यान से लिखिए +2 sin A, cosec a को हम 1/sin A लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, उसी प्रकार ये बचा है 2 cos A, sec a को हम 1/cos A लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां केवल 2 बचेगा, यहां भी 2 बचेगा, 2 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक, और इसकी वैल्यू एक होती है, तो ये 1 + cos² a + कितना हो जाएगा sec² a cos² a + sec² a और प्लस उधर 4, 4 1 कितने हो जाएंगे 5, ठीक, यहां cosec होना चाहिए था प्यारे बच्चों cosec, ठीक, तो 4 1 कितने हो जाएंगे 5। अब यहां जो cosec² a है हम जानते हैं cosec
स्क्वायर ए बराबर था वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, और जो सेक स्क्वायर ए होता है वो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक, बात समझिए आप। तो जहां कोसेक स्क्वायर ए है वहां हम वन प्लस कॉट स्क्वायर ए रख देंगे, और जहां सेक स्क्वायर ए है वहां हम वन प्लस टेन स्क्वायर ए रख देंगे, ठीक। अब ये हम लोग जोड़ लिए हैं तो पांच एक छ एक सात, सात प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों आपका आर एच एस मिल गया। तो ये था आपका आर एच एस। इस प्रकार आपका ये भी प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं आपके जो ये इस वाला नंबर सवाल है, क्या कर रहा है आई एक्स नंबर, क्या कर रहा है कॉसिक एक्स कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर वन अपॉन टेन ए बराबर प्लस कॉट ए। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को हम लोग ऐसा लगाएं ऐसा हल करेंगे कि एल एच एस को हल करके आर एच एस के इक्वल दिखाएंगे, परंतु आर एच एस को भी थोड़ा बहुत सॉल्व करके सरल भाषा में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम एल एच एस हल करते हैं। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं वन अपान साइन ए लिखा जा सकता है, और साइन ए तो आपका ही है उसको आपको नहीं लिखना है, पूरे के बटे आप वन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। सेक ए को हम लिख सकते हैं वन अपान कॉस ए, और कॉस ए को रहने दीजिए आप, कॉस ए ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक। अब अपान एक लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, यहां इक्वल टू, यहां देखिए वन अपान टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपान क्या हो जाए कॉस ए, ठीक, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपान कितना हो जाएगा साइन ए। अब ध्यान से देखिए, इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या, इतनी बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों, यानी सबको हमने साइन और कॉस ए के पदों में लिख दिए। अब इन दोनों का लसा लेंगे तो लसा लेंगे तो साइन ए आएगा, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो यहां एक आ जाएगा माइनस। अब एक का पहाड़ा आप साइन ए मतलब साइन ए का मल्टीप्लाई इससे कर दो डायरेक्टली तो भाई साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक, आप समझ पा रहे हैं यहां तक। ऐसे यही सेम प्रोसेस हम यहां पर करेंगे तो कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, एक का गुना एक से हो जाएगा एक, कॉस ए का गुना कॉस ए से कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई, चलिए आगे स्टेप में। तो यहां पर एक बटे पूरे के बटे है, और यहां पर कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम आ गया, कॉस ए इंटू क्या आ गया साइन ए। अब साइन ए का गुणा साइन ए से कर दिया जाए तो साइन स्क्वायर ए आ गया, कॉस ए का गुणा कॉस ए से कर दें तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। प्यारे बच्चों किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। हम लोगों ने अभी ये फॉर्मूला बहुत बार देख चुका कि कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, अपान कितना है साइन ए है, इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कितना हो जाएगा कॉस ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये कॉस एक कॉस को कैंसिल कर देगा, ये साइन एक साइन को कैंसिल कर देगा, इक्वल टू इधर ये प्रोसेस आपका ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब यहां आपके पास कौन बचा है एक कॉस ए बचा है, और एक कौन बचा है साइन ए बराबर। यहां से इसकी वैल्यू एक होती है, कॉसाइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू एक होती है, तो हर में एक आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो आप देखिए दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए, यही आप चाह रहे थे, यही आपको दिखाना था, एल एच एस बराबर आर एच एस, देख सकते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये भी प्रश्न क्या होता है कंप्लीट होता है आई एक्स नंबर। अब हम प्रश्नावली 8.4 के पांचवें का लास्ट खंड की बात करेंगे, और इसी सवाल के साथ प्रश्नावली आपका 8.5 भी कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट वाला खंड है वो आपसे ये कह रहा है कि आप इनको और इनको सॉल्व करके इनके बराबर लाइए, ठीक। तो तीन मतलब इनको भी हल करो तो ये आ जाए, इनको हल करो तो भी आ जाए, आराम से हम लोग लाएंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हम जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, सरसमिका है ये बराबर। अब जहां टेन ए है प्यारे बच्चों वहां हम साइन ए बटे कॉस ए लिख देंगे, ध्यान से देखिए, और पूरे के बटे जहां कॉट ए है वहां हम कॉस
ए बटे साइन ए लिख देंगे, ठीक। तीनों ये आप सेम सेम ऐसे उतार दे, चलिए इसको कुछ भी नहीं करना है। अब यहां बटे एक लगा लो, यहां बटे एक लगा लो, ठीक, लगा दिए बटे एक। अब आप देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं एक बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन एक बटे साइन स्क्वायर ए, एक बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक। यहां स्टेप में आते हैं। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए का गुणा यहां हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा साइन ए, तो कॉस ए माइनस आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन ए, ठीक, पूरे के बटे। अब यहां गुणा हो जाएगा तो साइन ए, ध्यान दीजिएगा आप एक चीज भूल गए प्यारे बच्चों, यहां स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, ठीक। अब साइन ए का गुणा इससे करेंगे तो साइन ए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्यारे बच्चों, ध्यान से लिखिए यहाँ। अब एलसीएम लिए तो आप लिखे ही नहीं ना, कॉस ए लिखा जाएगा, पूरे एक बटे साइन ए का एलसीएम लेंगे तो साइन ए आएगा, ठीक। अब साइन ए का गुणा एक से हो जाएगा तो साइन ए, और कॉस ए तो आपका ही है कॉस ए हो गया, ठीक। पूरे का होल स्क्वायर कर देते हम, बराबर आ गया टेन स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, बराबर। अब इधर पक्ष को हल करना, देखिए जरा सा प्यारे बच्चों, अब कॉस ए माइनस साइन ए ऊपर है, कॉस ए माइनस साइन ए, अपान कितना है कॉस ए है पूरे के बटे, या अगर यहां से माइनस कॉमन ले ले प्यारे बच्चों, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले ले तो साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कॉस ए, अगला हो जाएगा माइनस साइन ए, और पूरे के बटे कितना है साइन ए, और क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला पक्ष ये वाला पक्ष कैंसिल हो जाएगा, साइन ए ऊपर चला जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों, बराबर टेन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए बटे कॉस ए टेन ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर। अब देखिए ये साइन ए ऊपर जाएगा तो माइनस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। देखिए ये वाला पक्ष इसके बराबर आ गया, क्यों लिए है साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस माइनस का और करेंगे प्लस हो जाएगा, अब यहां साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अगले स्टेप में हम बात करें तो यहां टेन स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा, इसको भी हम हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहां पर माइनस नहीं बल्कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, अगला पक्ष टेन स्क्वायर ए है। अब इसको भी हम टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए, तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों पक्ष आपस में क्या हो गए बराबर हो गए प्यारे बच्चों। इस प्रकार इतना अच्छा सवाल आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी प्यारे बच्चों, और इसी सवाल के साथ ये पूर्णों से प्रश्नावली समाप्त हो जाती है प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 9 के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।